में डूबे हुए लोग ना कैसे कैसे मोती ख्यालों के समंदर में से निकाला करते हैं। कुछ डूबने की बात करते हैं, कुछ तैरने की बात करते हैं, कुछ ख्यालों में खोए से रहते हैं, कुछ अपनी बात करते हैं, कुछ गैरों की बात करते हैं। इश्क में रहते हुए हालात ही कुछ अजीब से होते हैं, जरा सी बेचैनी अच्छी लगती है। पर उस हालात को क्या कहेंगे आप जब इश्क हो रहा हो और आप खुद को मना करते हैं कि आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और कई बार आप खुद में खुद की तलाश करते हुए कई सवालों के जवाब मुस्कुराते हुए ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि मीनल। मीनल जब से डेविड से मिली है, मिली क्या है, बस देखा ही है उसे, उसके बारे में सोचे जा रही है। अपने हॉस्टल के रूम पे एक किताब को अपने सीने पे रख के ऊपर छत को देखती हुई कुछ सोचे जा रही है और मुस्कुराई जा रही है। तभी अम्मिया उसके कमरे में आती है। मीनल के हाल को देखकर पूछती है, क्या बात है, आखिर इतनी खुश कैसे है? मीनल बिना झूठ बोले और सच बताए कुछ ख्याली कविता के अंदाज में उसे कुछ बोल जाती है, जिससे अम्मिया को कुछ समझ भी नहीं आता और मीनल का दिल भी हल्का सा लगता है। मीनल ने अपनी लाल डायरी निकाल के एक शेर पढ़ा, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, अभी दम लेने दो मेरी तितली को। फिर धीरे से मुस्कुराई और खुद में खुद को शाबाशी देते हुए हंसने लगी। मीनल की ये हरकत देख अम्मिया बोली, लो फिर चली गई है अपने ख्यालों की दुनिया में। अम्मिया ये कहते हुए वहां से चली गई। मीनल बहुत खुश थी। कभी कभी मीनल थोड़ा सोचने भी लगती कि क्या वो ये सही कर रही है, क्या ये सब बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। खैर, अल्हड़ जवानी और मगरूर पानी कहाँ किसी का इंतजार करते हैं, वो तो अपने ही रास्ते अपने हिसाब में बहते जाते हैं। मीनल ने भी कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि अब वो ज्यादा किसी ख्याल को अड़चन नहीं बनने देगी और खुद को आजाद बहने देगी। मीनल ने अपनी अलमारी को खोला और उसमें कुछ रंग और एक कागज को निकाला। आज फिर से वो एक तस्वीर बनाना चाहती है, कुछ रंगों को कैद करके कुछ ख्यालों को पंख देना चाहती है। वो चाहती है कुछ ऐसा बनाए जिसमें रंग आजाद उड़ते हुए लगे, किसी बादल की जद किसी भी रंग को रोके नहीं, किसी चिड़िया की उड़ान को भी पेड़ कैद ना करे, किसी भी ख्याल को किसी दायरे तक रोका ना जाए। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल ने कागज पर रंग बिखेरना चालू कर दिया। कुछ रंग कागज पर लगे, कुछ उसके हाथों पे, और कुछ उसकी जुल्फों को सवारते हुए उसके गालों और कानों पे भी। तस्वीर का तो कुछ पता नहीं, पर पुते हुए रंगों में मीनल बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम किसी छोटे से बच्चे की तरह जो मिट्टी में अपने सपनों की उड़ान को रंग के आता है। मीनल का भी कुछ यही हाल था। मीनल अपनी रंगाई पुताई में लगी पड़ी थी कि अम्मिया बालकनी से आई और बोली, अरे मीनल, तू यहाँ क्या लगी हुई है पन्ने पर बात कर रही है? वो नीचे देख, डेविड सर आए हैं, शायद ऑडिटोरियम जा रहे हैं, लगता है अभी सामने वाले बगीचे में कुछ फूलों की तस्वीर कैद कर रहे हैं। मीनल के रूम के आगे ही ऑडिटोरियम था और सामने बगीचा। यूनिवर्सिटी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से प्लान्ड थी। सामने वाले बगीचे में मिस्टर डेविड और मिस्टर शिवम, जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, घूम रहे थे। डेविड ने उन्हें भी अपने साथ रखा हुआ था और फूलों को अलग अलग नज़रिए से समझाने की कोशिश में लगे थे। मीनल बाहर बालकनी में आई, जहाँ से गार्डन साफ साफ दिखता था। बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा होता था अक्सर मीनल की बालकनी से, पर आज तो नज़ारा और भी बेहतर था, क्योंकि सामने डेविड जो थे। डेविड को देखकर मीनल के चेहरे पर अलग ही खुशी आने लगी थी। वैसे आज डेविड ने लाल रंग की बजाय हरे रंग का कुर्ता डाल रखा था,
पर अब शायद रंगों का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। खैर, इस बार डेविड को देखते हुए मीनल की आंख की चमक को अम्या ने भी कुछ महसूस किया, पर वो शायद सच जानने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी।